कुछ घोषणा मैं कर रहा हूं आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घोषणा है। पहली घोषणा है जिसमें आपके जो मानदेय है उसको मैं 15% बढ़ाने की घोषणा करता हूं। दूसरा जो है, अभी वर्तमान में कृषि व नॉन फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन आदि में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है, और मैं आजीविका ऋण योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। तीसरा, अभी बहन आई थी, स्कूटी मिल रही है, स्कूटी खरीद रही वो, और बताया गया उनको 11% की बजाय 2.5% ब्याज लगेगा, उनको लोन देगा वो, स्कूटी 50,000 की होगी, 60,000 की होगी, 80,000 की होगी, तो ब्याज लगे 2.5%। अब मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपका स्कूटी का जो ब्याज है वो 0 होगा, 1 नए पैसे लगेगा, 2.5% नहीं लगेगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। जो स्कूटी खरीदना चाहे बहने हमारी, स्कूटी खरीदो, बिना ब्याज का पैसा मिलेगा आपको, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आप पर। चौथी घोषणा है जो मैं बोल चुका हूँ पहले, सैनिटरी नेपकिन की, सैनिटरी नेपकिन जो है उसकी पूरी सप्लाई जो है आने वाले वक्त में चरणबद्ध रूप से राजीविका की जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाएगी, वो बांटेगी, ये व्यवस्था लागू होगी राजस्थान के अंदर, ये मैं करना चाहता हूँ। पांचवी घोषणा है जो मंत्री ने इशारा कर दिया आपको, और जो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई है, इंदिरा गांधी मान नेता थी देश की, इंदिरा रसोई चला रहे हैं हम लोग, 8 रुपए में खाना दे रहे हैं शहरों के अंदर। अब मैंने घोषणा की बजट के अंदर गाँव के अंदर भी 8 रुपए में भोजन मिलेगा इंदिरा रसोई के हिसाब से, तो फैसला डिपार्टमेंट ने किया है, मैं चाहूंगा उस काम को आप संभालें अन्य कामों के साथ में, और आप लोग जैसे शहरों में लोग एनजीओ वाले करते हैं उसी प्रकार से तमाम राजीविका की बहनें हमारी 1,000 इंदिरा रसोई की व्यवस्था करेगी, चलाएगी, ये मैं आपको कहना चाहूंगा, उसी मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके माध्यम चलेगी। ये बहुत पॉपुलर योजना है, गांव में मजदूर है, गरीब है, छात्र है, कोई भी है, घर पे तकलीफ है, उसको खाना नहीं बना पा रहा है, कोई भी नहीं, गर्म खाना बेटा का खाना खिलाने की व्यवस्था है, मैं खुद 2-3 दिन जाकर खाना खा के आया हूँ, इतना अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बर्तन में अंदर मिलता है, बेटा के खिलाते हैं वहां पर। मैं चाहूंगा कि इस योजना को आप कामयाब करें और योजना का प्रबंधन भी आप अपने हाथ में लें। और छठी योजना है स्मार्टफोन, मैंने कह दिया पहले आपको, जो बहने जो है 1,35,00,000 है, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे हैं प्रदेश के अंदर तमाम बहनों को मैं कहना चाहूंगा, गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो रहे हैं, 40,00,000 लोगों को तो अभी टेलीफोन मिलना शुरू हो गया है, मोबाइल फोन, जो सेकंड फेज में आएंगे महिलाएं उनके लिए गारंटी लेना जरूरी होगा, 20 तारीख से वो गारंटी कैंप में जाए, गारंटी कार्ड ले लें, जिससे कि जब अगला चरण शुरू होगा तब उनको आसान हो जाएगी, टेलीफोन मोबाइल फोन को मिलेगा, कुछ गारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा 20 तारीख से, उसके लिए आप जाके जरा पर्चा भरा कर दीजिए वहां पर। तमाम जो घोषणा हुई है वो तमाम आपको मैं समझता हूँ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाई आपको है।